हेलो गाइस, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं कोमल किचन। आज मैं आपके लिए खस्ता मटरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कली मटरी भी कहते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे बनाने में हमें बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत जल्दी हम खस्ता करारी मटरी बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर खस्ता मटरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे खस्ता मटरी बनाने के लिए, और बाउल में 2 कप मैंने मैदा ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, जिसे अपने हाथों में लेके इसे मसल के डालें, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसके साथ ही हम लेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून और नमक लेंगे। नमक का यूज़ आप मटरी में कम ही करें, वरना नमक ज़्यादा हो जाता है तो मटरी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। इन सभी को हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तो आप वनस्पति घी का या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वनस्पति घी ले रही हूँ। इसे आप मसल मसल कर इसे हम मिक्स कर लेंगे, और जब हमारी ये बाइंडिंग ऐसे बनने लगेगा हाथ से लड्डू की तरह, तब उससे ज़्यादा हम घी नहीं डालेंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो डो को हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब हम इसे मसल मसल कर चिकना करेंगे। तो इसे इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरीके से चिकना करेंगे, जब तक कि मैदा हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो आटा हमारा तैयार है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। तो जितना आप घी डालें उतना ही हमें मैदा डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून घी में मैं 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। तो ये दूसरा है 1 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो इसका हम घोल बनाकर तैयार करेंगे घी और मैदे का। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें कोई भी लम्स ना हो इस तरीके से। तो अब हम इसे साइड रख देंगे। तो अब जो आटा हमने रखा था उसे मैदा, तो उसे निकाल दें और इसे एक बार और चिकना करेंगे। तो अब हम इसकी 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 5 लोइयां हम इसमें से काट के तैयार करेंगे। तो आप एक चाकू की मदद से इसे काटें। तो इसी तरह मैं इसका 5 लोइयां मैं इसमें से निकालूंगी। तो बराबर से आप इसे काटें। तो अब हम इन सभी लोइयों को लोई बनाकर रख लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम 5 लोइयां को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम 1 लोई लेंगे और बाकी की जो 4 है उसे ढककर बाउल में रख देंगे, ताकि ये हमारी सूखे नहीं। तो अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए आप इसे पतला बेलें, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेलें। इसे हमें मोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम जो 5 लोइयां बनाकर तैयार करे थे, तो हम इसी तरीके से 5 इसे बेल कर तैयार करेंगे। क्योंकि हम लेयर मटरी बना रहे हैं, तो इसी तरीके से 5 लोइयों को हम प्लेट में बनाकर इसी तरीके से बेल बेल कर तैयार कर लेंगे। अब मैंने दूसरी लोई ली है, तो इसे भी हम बेलेंगे। इसे भी हम बेल लेंगे एकदम पतला, जितना पतला आप बेल सके। बस ध्यान रखें कि ये फटना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसे दूसरा को भी बेल कर तैयार कर लेंगे। दूसरी लोई को भी मैंने बेल लिया है, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। अब तीसरी लोई हम लेंगे और उसे भी इसी तरीके से पतला बेलेंगे। तीसरा भी हमारा मैंने बेल लिया है, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। अब हम 4th लोइयां लेंगे और इसे भी बेलेंगे। बेलते समय आप ध्यान रखें कि इसे जो है एकदम पतला बेलना है, मोटा हमें बिल्कुल नहीं करना है, वरना लेयर नहीं पता चलेगी। तो अब ये हमारी लास्ट है 5वीं। तो हमने बेल लिया है। तो अब जो हमने मैदा और घी का पेस्ट बनाया था इसे हम लगाएंगे। पेस्ट को हम चारों तरफ लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो
इस तरीके से लगा देंगे। अब जो हमने बेल के तैयार किया था उसे इसके ऊपर रख देंगे, एक मैंने जो बेला था उसे इसके ऊपर रख दें। अब हम इसके ऊपर फिर से मैदा और घी का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे लगाएंगे। तो इसको हम चारों तरफ से लगाएंगे, कहीं से छूटना नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर फिर से मैं एक लेयर लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर फिर से पेस्ट लगाएंगे घी और मैदे का, चारों तरफ अच्छे से लगाएं। तो अब मैं इसके बाद फिर से मैं लेयर इसकी ऊपर लगा रही हूँ। अब हम फिर से एक लेयर और लगाएंगे, तो घी और मैदे को इसके ऊपर लगा दें चारों तरफ। तो अब मैं अपनी लास्ट लेयर, पांचवी लेयर को लगा रही हूँ, इसे लगा दें। अब हम इसे चारों तरफ से बिल्कुल बराबर करेंगे, तो जो साइड से छोटा बड़ा टेढ़ा है तो उसे हम काट देंगे और इसे बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप चारों तरफ से इसे बराबर करें, और ये जो साइड का पार्ट है तो इसे फेंकें नहीं, इसकी हम मठरी बनाएंगे। तो इसे आप मठरी के लिए यूज़ करें। अब ये, अब हम इसे बीच से कट करेंगे एक चाकू की मदद से, और इसे फिर से हम कट करेंगे। तो आपको जितनी बड़ी कली मठरी रखनी है आप उस हिसाब से इसे कट करें। मैं इसमें फिर से कट लगा रही हूँ, तो इस तरीके से आप इसे काट लें। तो अब हम इसे फिर से इसमें कट लगाएंगे, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आप इसे बनाएं, कली मठरी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब हम इसे प्लेट में रख देंगे, और इसका ये देखिए, इसकी लेयर आप देख सकते हैं कितनी लेयर बनी है। अब हम इसे एक टुकड़ा लेंगे, तो इसे जो है बीच से कट करें तिरछा। अब मैं आपको मठरी बनाना बता रही हूँ कि ये बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप इसे मोड़ें और इसे अच्छे से दबा दें, और इस आप चाहे तो इसमें पानी लगा सकते हैं कि मठरी हमारी खुले नहीं तेल में जाने के बाद। अगर आपकी मठरी चपक नहीं रही है तो इस टाइम पे आप पानी लगाएं और इसे अच्छे से जो चिपकाएं, ताकि ये तेल में जाने के बाद खुले नहीं। तो इसी तरीके से हम सारी कली मठरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। कली मठरी हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस पे ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे, और ऑयल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे अपनी सारी मठरियाँ को। तो मठरियों को आप एक एक करके थोड़ी दूर दूर ही डालें, ज़्यादा एक साथ मठरी ना डालें। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो आप इसे बीच बीच में हिलाते रहें और इसके ऊपर गरम ऑयल डालते रहें। तो आप देख सकते हैं कली मठरियाँ हमारी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये पक चुकी है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे प्लेट में निकाल लें कली मठरी की। ये देखिए हमारी कली बनकर, मठरी बनकर तैयार है। अब हम फिर से दूसरा बैच इसमें डालेंगे, और इसी तरीके से इसे भी फ्राई करेंगे। तो इसका गोल्डन, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे आप ना पकाएं, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं ताकि कुरकुरी और क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। हमारी कली मठरी बनकर तैयार है। सारी मठरी को मैंने फ्राई करके बना लिया है। तो आप इसे बनाएं, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर से क्लिक करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।